सैयद मतीन अहमद ने वाईएस शर्मिला की गैरकानूनी गिरफ्तारी की मजम्मत की है। केसीआर अवामी मसाइल के बारे में जानने के लिए वाईएसआरटीपी सरबरा वाईएस शर्मिला की प्रजा प्रस्थान पद यात्रा में रुकावट डालकर गैरकानूनी गिरफ्तारियां कर रहे हैं और शर्मिला को लोगों की तरफ से मिलने वाली हिमायत को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने मार्च की इजाजत देने के बावजूद पुलिस उसे रोक रही। हम वाईएस शर्मिला की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं जिन्होंने अंबेडकर के मुजस्मे पर भूख हड़ताल की। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तेलंगाना की आवाम, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि केसीआर अपनी मनमानी अपनी हुकूमत कैसा चला रहे हैं, इसे गुंडागर्दी कहूँ या फिर अपना राज चला रहे हैं अपना, क्यों ऐसा है, क्यों आप गलतियाँ कर रहे हैं। वाई एस राजशेखर रेड्डी की बेटी वाई एस शर्मिला रेड्डी तुम्हारे गलतियों को पकड़ने के लिए प्रजा प्रस्थान पद यात्रा शुरू करे, 3,500 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, उसके बाद तुम्हारे गलतियों को पकड़ने पर, तुम्हारे चोरियों को पकड़ने पर तुमको तकलीफ हो रही है। उनको एक नहीं दो बार अरेस्ट किया गया, दो नहीं तीन बार अरेस्ट किया गया उनको, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। भाई शर्मिला रेड्डी, हम आपके साथ है, हम आपका पूरा सपोर्ट है, आप हमारा आपको और पूरी माइनॉरिटी आपके साथ है। आप दिल खोल कर रखिए आप, और मेरी तेलंगाना की आवाम से गुजारिश है कि भैया शर्मिला रेड्डी का खुलकर सपोर्ट करिए और हम आपके साथ हैं। केसीआर तुम अपने मनमानियों से बाज आ जाओ वरना तुमको भी बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तुम पूरी की पूरी बीजेपी की आइडियोलॉजी अपना रहे हो, जहां पर एक सेक्युलर चीफ मिनिस्टर सेक्युलर लेडी आगे बढ़कर मुसलमानों का साथ दे रही है, पूरी तेलंगाना स्टेट का साथ दे रही है, आप वहीं पर केसीआर क्या कर रहे हो भाई, क्यों इस तरह से कर रहे हो, हारने का डर है तो काम अच्छा करो। शर्मिला रेड्डी, आपसे गुजारिश करता हूं कि हम आपके साथ हैं, पूरा तेलंगाना स्टेट की आवाम आपके साथ है, बिलखसूस माइनॉरिटी का आपके साथ खास ताउन है आपके साथ है। आप हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए, आप प्रजा प्रस्थानम पद यात्रा भी शुरू करिए, आप दीक्षा भी बैठिए, हम आपके साथ है। जय तेलंगाना, जय वाईएसआरटीपी, जोहार वाईएसआर।